أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم गुजत जैसे कि मजमून चला रहा था जिसमें अल्लाह तबारक ने रूह का जिक्र करने के बाद नबी पाक तो सलाम से ये बात फरमाई थी कि जो कुछ तुमको इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है लिहाजा अगर कोई ऐसा सवाल करो जो तुम्हारी अपनी समझ के मुताबिक न हो और तुम्हें समझ में ना आए तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व की तरफ से ही इंसान को बहुत थोड़ा दिया गया है अब उसके बाद जो मजमून अल्लाह तबारक ने बयान फ़रमाया था वो इन नन हबन नबी लदि अही ना इलेक्क के नबी व्म अगर हम चाहें तो जो कुछ आपकी तरफ वही किया गया है उसको सल्ब कर लें उसको ले लें आपसे और जब अल्लाह ले लें तो आपकी तरफ से कोई हिमायती ही भी नहीं मिलेगा कि जो अल्लाह से झगड़ा कर सके कि आपने क्यों लिया अल्लाह ये रहमत मबिक मगर ये कि आपके रहमत आपके परोदिगार की रहमत होगी इन नफरत ललका का कबीर हाँ उसके बाद वाली आयत में अल्लाह तबारक तौल ने तमाम जन्नत और इंसान को चैलेंज किया कि अगर तुम इस कुरान की तरह कुछ ला सकते हो तो ले आओ और उसके बारे में यह भी फरमाया था वलव वम लिबाद ही रहा कि तुम चाहे एक दूसरे के मददगार ही बन जाओ तब भी इस तरह का कुरान नहीं ला सकते आगे अल्लाह ने फरमाया फरमायालकरफ्न अलिन ना सिफ़ी हादल क्र मिनकुल्ली मसल हमने हर तरह के अली मजामी कुरान के अंदर बयान किए हैं लोगों के लिए लेकिन फ़ाबा अक्सर कफूरा अक्सर लोग जो है ना इनकार किए बगैर नहीं रहते यानी बहुत से लोग हैं जो कुरान को नहीं मानते उसके बाद अल्लाह तबारक वाली ने अगली तीन चार आयतें जो आई हैं उनमें अल्लाह तबारक ताली ने उनके मुतालबात नक़ल फरमाए हैं कि ये कुफ़ार मुतालबे करते थे तरह तरह के और उन मुतालबों के अंदर क्या होता था कि अगर आप हमारे ये मुतालबा पूरा कर दें तो हम ही मान ले आएँ ये उनका मुतालबा था सबसे पहला मतालबा क्या था हत्ता हत् तफ जुराना मिला यम्बुआ ऐसा है कि हमारी ज़मीन में कोई चश्मे जारी हो जाए क्योंकि खुश्क साली है यहाँ पे ज़मीन में जो है ना पानी नहीं होता तो आप चश्मे जारी कर दें यहाँ पे अवतकू नला का जन्नत तुम नखीरें वाइन अब या खुद आपके लिए कोई अंगूर और खजूरों के बाग हों क्यों फतफरन हारा खिला तफजीर फिर उसके बीच में से जो है ना नदियाँ जारी हो जाएँ उसके बीच में से नदियाँ जारी हो जाए बाग भी हो पानी भी आ रहा हो और तुस्की समा या ये तो आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दीजिए कम आजाम तालेना जैसा कि आपका दावा है आप कहते हैं कि भाई अगर तुम नहीं मानोगे आसमान का टुकड़ा तुम पर गिरेगा यानी अल्लाह की तरफ़ सेजाब आएगा अवती अबिल्ला वलमलाई कति कबीला वो लोग ये कहते थे अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ला के खड़ा कर दो ताकि हम देखें कि भाई वाकई अल्लाह है अल्लाह ये कह रहे हैं ये अवयकून अला का भाई तुम जुखरुफ़ या तो फिर यह कि आपके लिए कोई सोने का घर ही हो अगर आप कहते हैं कि अल्लाह ने आपको नबी बना कर भेजा है तो अल्लाह को इतनी कुदरत है तो अल्लाह ताला सोने के ही घर आपको बना के देते हैं आप भी ऐसी झोपड़ी में रहते हैं आपका भी घर ऐसे ही है तो ये उनका ये एक गुमान था अव तरका फिसमा, या तो फिर आप आसमान पर चढ़ के दिखा दें अभी इसमें जिक्र आया कि आप होकर आए थे वहाँ से वलन नब्मी अली रत्त नज़ी आली ना किताब और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप आसमान पे भी चढ़ जाएंगे तो हम आप पर ईमान लाने वाले नहीं हैं कब ईमान लाएंगे हती त नज़्ल आलीना किताबन नक रहू यहाँ तक कि आपको ऐसी किताब वहाँ से लेके कर आए जिसको हम पढ़ सकें ऐसी किताब लेके आइए जाके तो अल्लाह तबारक वाली ने इनके ये मुतालबात नक़ल किए मुतालबात नकल करने के बाद जो चीज़ जवाब के तौर तो पर बयान फरमाई थी वो थी कुल कुलसुबहान रब्बी हलकुंतल बशर रसूल फरमाया कि तुम लोग मुझसे ये मुतालबे कर रहे हो तो गोया कि तुमने मुझे ही खुदा समझा हुआ है मैं कोई खुदा नहीं हूँ अल्लाह तबारक तौर ने फरमाया कि भाई आप बता दीजिए उनको कि मेरा काम क्या है सिर्फ पैगाम पहुँचाना है अल्लाह ने यह कहा है मैंने पैगाम पहुँचा दिया तुमने मुतालबे की है तुम्हारी बात भी मैंने अल्लाह को पहुँचा दी कि भाई इनकी ये मुतालबे हैं अब अल्लाह उसका जो जाए जवाब दें तो अल्लाह तबारक तौला ने क्या जवाब दिया सुबहान रबी आप ये फरमा दीजिए कि मेरे परिदगार के अंदर किसी कस्म का कोई नुस नहीं है अगर अल्लाह चाहें तो तुम्हारे पूरे मतालबात एक साथ पूरे कर सकते हैं अल्लाह के अंदर ताकत है अल्लाह के अंदर पावर है हल्कुन तोल्ला बशर रसूला लेकिन जहाँ तक तुम्हारा मतलब है मुझसे अल्लाह फरमाते मैं तो एक इंसान हूँ मैं एक इंसान हूँ और किसी इंसान के बस में नहीं है इस तरह की कोई चीज़ कर दे आ, आगे जो है ना अल्लाह फरमाते वमा मनाना मिनजा हदा काल अबा तो बशर रसूल अल्ला फरमाते हैं कि देखिए इन लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो इन लोगों ने जो है ना <स्थितितितितितितितिति> अपने आप को हिदायत को कबूल करने से दूर रखा हिदायत को कबूल नहीं किया अब अल्लाह ये फरमाते हैं कि किस चीज़ ने इनको रोका इससे फरमाया कि अब आसलह बशर रसूला इनको ये शुबा होता था कि भाई ये आम आदमी की तरह है ये एक इंसान है ये रसूल कैसे बन गए उनको ये शुबा होता था यानी अपनी तरह के किसी इंसान की बात को कबूल करने के लिए उनके अंदर गो के एक किस्म का तकबर आ गया कि भाई इस आदमी की बात कैसे माने ये तो हमारी तरह का है हमारे साथ ही रहता फिरता है कैसे आदमी की बात मान ले ये और वहाँ पे तो अगर आप वो ट्राइबल सिस्टम को जहन में लाएं तो उनके लिए तो और मुश्किल था कि भाई ये तो फ़लाने कबीले का मैं फलाने कबीले का मेरा कबीला ऐसा उसका कबीला ऐसा है हम कैसे बात मान लें तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इल्ला बात अल्लाह बशर रसूला कि उनको ये हमेशा शुभ होता था कि भाई आप रसूल को क्यों जो है इंसान बना दिया गया इंसानों में से क्यों रसूल बना दिया गया एक तो ये बात तो अल्लाह तबारक ने उनमें क्या उनका जवाब क्या दिया उलवखा न फिलर्दी मलाईकूमशू न मतमीन लहनस नला का रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि देखो ये एक कामन सी बात है जो जिस जिन्स का होता है उस जिन्स की तरफ माइल होता है जैसे इससे पहले मैंने मिसाल दी थी है इंसान जो है ना इंसानों ही में रहना पसंद करता है इंसान जाके कोई जंगलों में नहीं रह सकता इसी तरीके से जानवर जो होते हैं वो भी हर जानवर अपने कबीले के अंदर अपनी टुकड़ियों के अंदर रहना वो अल्लाह तबारा ने इसी तरह बनाया है तो फरमाए कि अगर दुनिया के अंदर इंसानों के बजाय फरिश्ते होते फरिश्ते बस रहे होते यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होते तो हम किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते लेकिन मामला उल्टा है यहाँ इंसान है तो इसी वजह से हमने इंसान ही को रसूल बनाया ये अल्लाह तबारक वाली ने लॉजिक इस्तेमाल किया उनको बताया कि भाई इतना तो सोचो कि अगर हम किसी फरिश्ते को भेज देते तो, तो फिर वही तुम्हारे पुराने एतराज़ा कि भाई फरिश्ता हमें नज़र नहीं आता अगर फरिश्ता नज़र आ जाए तो फिर कहते कि भाई फरिश्ते को हमारी ज़रूरियात का क्या इम उसको न भूख लगती है ना नींद आती है ना उसको और कोई तकलीफ पहुँचती है तो फिर अगर उसके आकाम हम कैसे मानेंगे तो अल्लाह फरमाते इसीलिए इंसान को भेजा ताकि तुम्हारी तरह जो उसको भी भूख लगेगी तुम्हारी तरह उसको भी नींद आती है तुम्हें अगर तकलीफ होती है चोट लगती है तो उसको भी तकलीफ़ होती है इस तरीके से जो है ना ताकि वो तुम्हारी ज़रूरियात का एहसास कर सके उसके बाद अल्लाह तबारक ने बात बयान फरमाई आयत नंबर नाइन्टी सिक्स के अंदर कुल कफ़ा बिल्ला शहीद अम्बईनीबी नकुम इन्न हुकानब इबादी ही ख़बीर बसीरा अल्लाह फरमाते हैं आप उनसे कह दीजिए नबी वसम कि अगर तुम्हें बात नहीं माननी है तो मेरा काम था बात पहुँचाना वो मैंने कर दिया अब अल्लाह गवाह रहेगा हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है अल्लाह किस बात के कि गवाह हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया और तुमने पैगाम सुन लिया बात मानना न मानना तुम्हारा काम है इन इनका नबादी खबीरम बसरा इसलिए कि अल्लाह तबारक वाली की ज़ात वो है कि जो अपने बंदों से खूब बाबर हैं खूब उनको जानते हैं और अल्लाह तबारक वाली उनको खूब देखते हैं और यहाँ पर जो है ना बात वही है कि कुरान की हकानियत पर नबी पाक पाकम के सच्चे नबी होने पर इतने दलाइल आ चुके हैं अगर मानना होता तो मानने वाले के लिए एक दलील भी काफ़ी है और न मानने वाले के लिए आप ढेर भी लगाते जाएँ दलाइल का तो वो मान के नहीं देगा अब उसके बाद अल्लाह तबारक ने नबी पाकर सलाम की ज़बानी ऐलान करवा दिया आगे फ़रमाया वम यहादिल्ला हुफ़हालमोतद वमिन युगुल फ़लतिया अमिंदूने व नक्शर हम यौमल क़ियामत आला वजू हीसुम और अल्लाह तबारक वाली जिसको राय रास् पर लाते हैं वही राह पाता है और जिसे वो बेराह कर दें तो आप ऐसों का मददगार किसी को भी अल्लाह के मुकाबले में न पाएंगे और ये बात बारह हमारे सामने आ चुकी है वो मई हजिल फवाल महत का क्या मतलब है अल्लाह किसी को हिदायत दे वही हिदायत पर आता है यानी मतलब ये है कि इस्बाब आपको इख्तियार करने होते हैं और उनबाब को सही तौर तो पर यानी पूरे अनजाम तक तो पहुँचाने वाले कौन है अल्लाह की ता है लेकिन मसला ये कि कदम आपने उठाना होता है कदम आप ही उठाएंगे वो मैम यहाँदिल्लाफुल्दन वो मैं युद्धिलफ़ल तजी मंद और इसी तरीके से अगर कोई गुमराह होता है तो अल्लाह तबारक व तौ के मुकाबले में फरमाया कि अल्लाह किसी को गुमराह करते हैं का क्या मतलब आदमी अपनी चॉइस से वो रास्ता इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व ताली जो है फिर उसको उस पर जाने देते हैं रोकते नहीं अल्लाह तब अल्लाह ने आपको यहाँ पर चॉइस दे रखी है इसी वजह से जब हम यह आयत पढ़ते हैं तो यह आयत इस ज़िमन में हमें समझनी चाहिए कि ये दुनिया अल्लाह तबारक व ताली ने अमल बनाई है जो जिस तरह काम करना चाहें अगर आप अच्छे काम करना चाहें उसको भी अल्लाह तबारक ताली आपको रोकेंगे नहीं और अगर कोई बुरे कामों की तरफ लगता है तो उसको भी अल्लाह तबारा ताली रोकेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बुराई की तरफ कदम उठा रहे हैं तो आपके पैर शल हो जाएँ आपकी चलने की ताकत ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर दुनिया का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ तो दारुल दारुलम्तहान है ये अल्लाह तबारक वाल ने यहाँ इसको जो दारुल इम्तिहान बनाया है अभी गोया कि हम एक इम्तिहान गाँव में बैठे हुए हैं और अगर आपने देखा कि अगर गलत काम करेंगे तो ये हो जाएगा तो फिर तो आदमी जो है ना इसका मतलब है कि देख कर ईमान लाने वाली बात है ईमान बिल गैब नहीं रहेगा इसलिए अल्लाह तब तक बुराई कर रास्ता ठीक है और ऐसा नहीं है कि भाई कोई बुराई का रास्ता अख्तियार करने वाले के जो है ना नल्ला तबारक ताली अंदरूनी तौर तो पर उसको कोई ये करते नहीं दुनियावी अतबार से वो ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि दूसरा आदमी नज़र आता है सब कुछ जो ऐसे ही होगा लेकिन फैसला वहाँ पर होगा इसलिए अल्लाह तबारक ने सबको यहाँ पर खुली छूट दी है इसलिए फरमाया व नक शुरु यूमल क़ियामत आला वजू ही हम उमय यऊ वबुकम वसुमा वाह हम जहन्नम कोल्लमा ख़बस जितना हम सा और हमकियामत के दिन इन्हें इनके मुँह के बल चलाएँगे अंधा और गूंगा और बहरा करके इनका ठिकाना दोजक है जब वो आग यानी ज़रा भी धीमी होने लगेगी हम उसे उनके लिए और भड़का देंगे यहाँ पे जो है ना अल्लाह तबारक वाली ने अब आप देखे मक्का वालों के लिए जो बात बयान फरमाई है वो क्या थी तफसीली बात आई थी उन लोगों ने कहा था ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए मुतालबे किए यहाँ पर अल्लाह तबारा ताल फरमाते हैं कि भाई देखो दुनिया के अंदर तो हमने दारुल बनाया है लेकिन आखिरत में हम इसका फ़ैसला करेंगे और आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा उसको अल्लाह फरमाते हैं व नाशरु हम यूमल्क़यामा हम इनको जमा करेंगे क़ियामत के दिन और कैसे जमा करेंगे फरमाया कि मुँह के बल उनको चलाएँगे नाशरु के मानने हशर याशरु के माने चलाना जमा करना अल्ला फरमाते हम उनको मुँह के बल चलाएँगे और ये मुँह के बल चलाना जो है ना अम्यम व बुकम वसुमा फरमाए कैसे अंधे गूँगे और बहरे मेरा मतलब है कि ना कोई चीज़ समझ में आ रही होगी ना कोई सुनाई दे रहा होगा कि आदमी अब देखें कि भाई कैसे जिन्हें परेशान होता है क्यों कि अगर वो उसको कुछ नजर ना आए तो आदमी वैसे ही कितना परेशान होता है भाई रास्ता ढूंढने के लिए लेकिन अगर आपको जो है नजर ना आता हो कान आपके काम कर रहे हो कोई दूर से आपको कह दे भाई अच्छा इधर नहीं उधर सीधे चलो तो आप उस तरफ रास्ते पर चल पड़ेंगे तो इसको सुनाई भी नहीं दे रहा न इसको सुनाई दे रहा है न इसको नज़र आ रहा है और उसके बाद फरमाते हैं कि भाई किसी से पूछ भी नहीं सकता इसलिए कि गूँगा तो अल्लाह तबारक तौला ने फरमाया कि भाई इनकी ये हालत होगी और क़ियामत का मंजर वल्ला तबारक ताली उनके लिए बयान फरमाते हैं और उसके बाद फरमाया ये बार बार ये क्यों फरमाते अल्लाह तबारक तार अंधे बहरे गूँगे इनको उठाया जाएगा इनके साथ ये मामला होगा बहुत सी मरतब कुरान में मजमून आता है उसकी वजह यह है कि आम तौर पर आप देखें दुनिया के अंदर जब आप हों दुनिया के अंदर इन्हीं वसाइल को और इन्हीं अजा को और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आदमी हिदायत पा सकता है अगर हिदायत हासिल करनी है या तो आप किसी से पूछेंगे या किसी की बात सुनेंगे या किसी को देख के अमल करेंगे मैं आपने दुनिया के अंदर इन इसबाब को हक़ को पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह फरमाते ठीक है, है जब तुमने इनको इस्तेमाल नहीं किया तो इन पर मोर लग जाएगी अब अल्लाह तबारक वाली क्यामत के दिन ताकि उनको मालूम हो कि ये कौन लोग हैं हिदायत से भटके हुए लोग बेराह गुमराह लोग हैं तो अल्लाह तबारक वाली इसी वजह से ऐसी सज़ाएँ जिक्र फ़रमाते हैं कि भाई तुम देखो अगर इनको तुम इस्तेमाल करते सही तौर पर दुनिया में तो तुम्हें हिदायत नज़र आ जाती हिदायत मिल जाती लेकिन तुमने उसको उस काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया तो अल्लाह फरमाते हैं उसको मोर लगा दी जाएगी वाह हम जहन्नम और अल्लाह फरमाते हैं कि इनका ठिकाना दोज़ है अब उसके बाद आगे अल्लाह तबारक तौने मजमून ख़त्म आयत को ख़त्म करने से पहले एक बात बयान फरमाई है इसमें एक बात आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि रिवायत एक आती है बुखारी और मुस्लिम के अंदर जब यह आयत उन लोगों ने सुनी साहबा ने तो अला के रूल सल वसलम जब पूछा कि यार मुँह के बल्कि ऐसे चलाया जाएगा हम तो दुनिया में देखते हैं कि भाई वो पैर के जरिए आदमी चलता है तो मुंह के बल चलाने का क्या मतलब है कैसे चलेंगे मुंह के बल अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु केल्ला ने फरमाया कि भाई जो ज़ात तुम्हें पैरों के जरिए चला सकती है क्या वो मुंह के बल नहीं चला सकती आदमी ये समझता है कि पैरों का काम है चलना फरमाया काम पैरों का नहीं है अल्लाह का हुक्म है पैरों को चलो तो वो फिर पैर जो है ना आपके इस्तेमाल होते हैं चलने के लिए और इसी तरह से ज़बान का मामला देखें आप जबान का हुक्म है बोलने का ज़बान का हुक्म है बोलने का इसलिए ज़बान बोलती है वरना ज़बान क्या चीज़ है सिवाय गोश्त के टुकड़े के और कोई चीज़ नहीं है सिवाय गोश्त के टुकड़े के और कोई चीज़ नहीं है ज़बान वो हिलती है अल्फाज इस्तेमाल होती है आवाज़ें निकालती है जो भी अब करती है सारी चीज़ें अगर आप देखें वो अल्लाह का हुक्म है इसीलिए क़्यामत के दिन हम देखेंगे कि अल्लाह का हुक्म जिस चीज़ की तरफ हो जाएगा वो चीज़ बोलने लगेगी इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जो मजमून बयान फरमाया कि उस दिन हमारे आजा बोलेंगे हाथ बोलेंगे पैर बोलेंगे हमारी चमड़ी गवाही देगी ये क्यों आप बोलेंगे ये थोड़ी बोल सकते हैं तो यहाँ नहीं बोल सकते क्यों अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ ज़बान को दिया है वो ताकत वो जो बोल सके और वही ताकत वहाँ पर उसकी सर्व कर ली जाएगी और इनको ताकत दे दी जाएगी हुक्म है सिर्फ अल्लाह का चाहे जब उंगलियाँ बोलने लगे आपके हाथ पैर बोलने लगे तो यहाँ अल्लाह तबारक ताली ने ये जो बात बयान फरमाई है कि उनको मुँह के बल चलाया जाएगा तो अल्लाह तब अ के रूल सल्ला व्लम ने यह बात बताई कि भाई अल्लाह की ज़ात कादिर है और इसी तरीके से फरमाया कि एक रिवायत में ये भी मजमून आता है कि लोग मुँह के बल चलेंगे और मुँह के बल ऐसे चलेंगे जो कि यानी कोई टीला आएगा तो उसको अवॉइड करेंगे कोई कांटे आ जाए तो उसको अवॉइड करेंगे मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे कि आदमी पैरों से चलता है और ये जो उनको इस तरीके से सर के बल चलना है ये जो उनकी सज़ा के तौर पर है ताकि लोगों को नज़र आए कि भाई इन लोगों ने कैसे उल्टे काम किए हैं दुनिया के अंदर हिदायत आई थी और रोशनी के रास्ते को छोड़ कर इन्होंने गुमराई के रास्ते को इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक वाली सज़ा के तौर पर उनको उल्टे चलाएँगे ताकि ये बात उनके सामने आ जाए और उसके बाद अल्लाह तबारक वाली फरमाते हैं और ये बातें जो है ना उसी कबील से हैं कि हमें एग्जैक्टली exactly उसकी कैफ़ियत नहीं मालूम कैसे अब आपको ऐसा ना हो कि आदमी जो प्रैक्टिस करने लग जाए कि भाई मुँह बल वहाँ चलना पड़े तो हम अभी सही ये बात नहीं वो तो सज़ा के तौर पर है और अल्लाह के लिए जो है नल्ला तबारा तो उल्टा कर देंगे सब मामला और कुल्लम मा ख़बस जितना हम सयीर अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी वो आग जरा भी धीमी होने लगेगी हम उनके लिए उसको और भड़का देंगे अब एक अजीब बात है यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक ताल जहन्नम के अजाब को हमेशा होने के लिए बयान फरमा रहे लेकिन दूसरे अंदाज़ में ये नहीं कहा कि खालिदी नफिया बदा वो तो दूसरी जगह पर आया मजमून यहाँ अल्लाह ने जो है ना बात थोड़ी सी बदल दी है मजमून वही है लेकिन बात थोड़ी बदल दी क्या कुल लबा ख़बत जिद ना हम सही रा। जब भी वो आग जरा सा धीमी होने लगेगी हम उसको और भड़का देंगे जैसे होता है ना बारबिकी वगैरह में क्या होता है कि भाई करते करते थोड़ी देर के बाद देखा कि भाई आग ज़रा ठंडी होने लगी आपने और थोड़े कोयले उसमें ऐड कर दिए और उसमें गैस बढ़ा दी और उसको जो है ना वो गैस की वजह से अंदाज़ा नहीं होता कोलों में ज़्यादा ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि भाई थोड़ी देर के बाद आग ज़्यादा धीमी होने लगती है तो यहाँ अल्लाह तबारा तारा फरमाते हैं कि ऐसा मत समझना कि ये आग एक मरतबा जला दी गई और उसके बाद जिस जिस उसमें डाल दिया गया जब आग ठंडी हो जाएगी तो तुम छूट जाओगे वो माँ ये नहीं है जब जब भी उसकी आग की लौ धीमी होगी अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको और भड़का देंगे और इसी तरीके से ये मजमून अल्लाह ने जो है ना सूर नसा में जो बयान फरमाया था लम खव जदनाम सैरा यहाँ पर है कुल्लमा नवरी जद जुलूद हम बदलना हम जुलूदन ई रहा आदाब अल्लाह फरमाते हैं कि जब जब भी इनकी चमड़ी जलेगी हम उनकी चमड़ी को बदल देंगे दूसरी ताज़ी चमड़ी से ताकि ये जो है ना अजाब को चकते रहे क्योंकि ये जो आ, आग का जो मामला है या किसी भी चीज़ का इंसान को जो तकलीफ होती है तकलीफ़ का एहसास कहाँ पर होता है ये चमड़ी का उससे ताल्लुक़ है अगर आप चमड़ी हट जाए तो आप देखेंगे वो मामला पूरा ख़त्म अल्लाह फरमाते हैं कि जब जब भी इनकी चमड़ी ये जल जाएगी जलने की वजह से अल्लाह फरमाते हम उसको बदल देंगे ताकि नए सिरे से उसके अंदर एहसास पैदा हो और उस एस एहसास के जरिए से वो मज़ा चकता रहे का तो अल्लाह तबाक फरमाते हैं ख़ब्ज रहा उम सईरा अल्लाह ने फरमाया दाली का जजा उम जहन्नम बिमा कफ़ुर दाली का जजा उम बेम कफ़र उयातना वक़ाल आयदा खन आदमरफातन खलकन जदीदा अच्छा फरमाया कि ये सज़ा है उनकी इस सबब से कि उन्होंने हमारी आयतों से कुफ्र किया था एक तो ये बात हो गई आयतों से कुफ्र किया था आयतों का इनकार किया था आयतों का इनकार करना आयतों का कुफ्र करना इसमें बहुत सी चीज़ें दाखिल हो जाती हैं अल्लाह की निशानियों को ना मानने का मतलब क्या है एक तो ये कि भाई आप ये कहेंगे अल्लाह के रसूल अगर आपके सामने ये कहें कि भाई अल्लाह ने नाजिल की है आप कहेंगे मैं नहीं मानता ये कभी ऐसा होता है कि भाई आप मानते तो हैं कि भाई अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि भाई ये अल्लाह ने नाजिल किया तो आपने मान लिया लेकिन उसका मजमून देखा तो कहा कि ये मैं नहीं मानता यानी ये मजमून मेरी अकल में नहीं आ रहा मैं नहीं मानता इनकार की कई शक्लें हैं अब यहाँ इसी तरीके से इनकार करने वाले कई उसमें कबीले थे कबीले से मुराद है कि मज़ाहब मिसाल के तौर तो पर यहूदीत वाले भी थे नसरानी भी थे मुश्किन भी थे बुधप्रस भी थे और इसी तरीके से जो किसी को ना मानने वाले वो भी थे क्योंकि उनका भी ये यीदा है आज के ज़माने में जो जहरीत का मामला है नेचुरलज़म और इसी तरीके से दूसरे ये जो एथेस वगैरह जो हैं उनका भी यही है कोई है ही नहीं तो मरने के बाद तोड़ना ही नहीं है तो मामला ख़त्म तो उन सब की ये जो अकल है अल्लाह तबारक तौला ने यहाँ पर उन सब को एक ही उसमें ले लिया कि उसमें जिस तरीके से ये लोग थे अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले उस ज़माने में भी रोशन ख्याल थे कैसे अल्लाह ने वो आगे बात बयान फरमाए फरमाया कि वकालू आईदाकन आईदामुफ़ातन इन्नाल बसून खलकन जदीदा अल्लाह फरमाते हैं और उन्होंने कहा था कि जब हम हड्डियाँ और बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, तो भला क्या उस वक्त हम असर पैदा किए जाएंगे? अब देखेंगे उनके अकल वाले जो हैं ना जो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक ताल फरमाया कि देखो यहाँ पर आकर उन्होंने भी यही सवाल किया था फरमाया कि जो चीज़ लिए मुस्तवाद मुस्तवाद मतलब हमारे लिए मुस्तबाद है मुस्तबाद का मतलब ये कि हमारे लिए बीद है हम नहीं समझते कि वो हो सकती है फरमाए कि क्या अल्लाह भी नहीं कर सकता वो काम ये है वो चीज़ क्योंकि इंसान ने अल्लाह को अपनी ही तरह समझा हुआ है जो काम हम कर सकते हैं अल्लाह कर सकता है जो काम हम नहीं कर सकते अल्लाह नहीं कर सकता यानी वो क्या चीज़ है कि हम किसी को ज़िंदा नहीं कर सकते तो कहते हैं अल्लाह भी जिंदा नहीं कर सकता तो अल्लाह तबारा फरमाते हैं कि तुमने अपने अल्लाह की ज़ात को इतना ही महदूद कर लिया है अपनी तरह समझ लिया है तो अल्लाह तबारक वाली ने इस वजह से उनका यहाँ पर यह एतराज़ नक़ल किया और गोया के इनका ख़्याल ये होता है कि जो भी चीज़ मरने के बाद ज़िंदा होने की और इसी तरीके से हशर में जमा होने की और फिर अल्लाह तबारक वाली का हिसाब किताब वहाँ की जितनी तफसीलत आती हैं उन सब के बारे में जो है ना हमारा ख्याल यही होता है कि ये कैसे होगा ये कैसे हो सकता है अब आप देखें कबर की ज़िंदगी को अगर कोई बयान करे तो बोले कि ये क्या बात है और ये सब क्यों होता है कि इंसान ने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया इंसान ने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया कि भाई जो गया कब्र में तो वो गया वापस कोई नहीं आया और आके बताए कि भाई क्या गुजरी उस पर क्यों अल्लाह तबारा तौर ने दुनिया को रखा इसी तरह है अल्लाह ने दुनिया को बनाई इसी लिए है कि अगर ये दार्तहान न होता तो लोग आते वापस आके अपनी कैफियत बयान करते ताकि दूसरे लोग गलत कामों से बच जाएँ गलत रास्ते से बच जाएँ लेकिन अल्लाह तबारक तौर ने कहा कि नहीं जो एक मरतबा गया तो गया तो अब इनको ये ख्याल हुआ कि भाई एक मरतबा चला गया आज तक कोई नहीं आया हम खबर खोद के भी देखते हैं तो उसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं मगर वो उसका वहाँ कुछ नाजाब ना सवाब कुछ नज़र नहीं आता हमें तो फिर कैसे हम इन चीज़ों को मान लें तो गोया कि अल्लाह तबारक तौर ने यहाँ उनका ये एतराज़ नक़ल करके हमारे जो आज के अकलीत पसंद होते हैं क़्यामत तक जितने अकलीत पसंद आने वाले हैं उन सब को अल्लाह तबारक ताली ने इसके ज़रिए से जवाब दिया और अल्लाह तबारक ताली अगली आयत में उसका जवाब देते हैं यहाँ तो अल्लाह तबारक तौला ने उनका एक कामन जो एतराज़ था वो नकल किया लेकिन इसी एतराज़ के ज़िमन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ख़बर की हशर की और इसी तरीके से आप कहेंगे कि भाई आपको जन्नत जहन्नम होगी और उसके बीच में दरमियान में जब पुलसेरात पर से आपको गुजरना होगा और पुलसेरात की जो कैफ़ियत है वो भी आती है रिवायतों के अंदर इंसान जो है ना बड़ा पजल हो जाता है कि भाई क्या करें कैसे इन चीज़ों को माने अगर कोई पूछने लगे तो अकल में नहीं आने वाली बात हम समझा नहीं सकते तो ये है वो सबसे बड़ा डिल जिसके बारे में आदमी परेशान होता है कि भाई क्या किया जाए तो अल्लाह तबारक तौल ने सबसे पहले तो फरमाया फरमायाब न खलकान जदीदा क्या हम दोबारा पैदा कर लिए जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताली ने बहुत आसान जवाब दिया और कैसा आसान जवाब दिया फरमाया कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी तुम्हें नज़र आ रही है इतनी मुश्किल नहीं है जितनी नजर आ रही है अगर तुम आगे वाली जो बात अल्लाह फरमाते हैं उस पर थोड़ा सा गौर करो गौर करने से बात समझ में आ जाएगी वो क्या है अल्लाह तबारा ने फरमाया कि देखो ये आसमान और ज़मीन तुम्हें तो नजर आ रहे हैं आसमान और ज़मीन नजर आ रहे हैं तो फरमाया कि भाई आसमान और ज़मीन को हम देखते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं फरमाया कि आसमान और ज़मीन बड़े हैं या तुम बड़े हो मखलूक और जिस्मे के अतबार से भाई इंसान कितना पाँच फिट का छः फिट का सात फिट का उससे ज़्यादा इंसान की हैसियत क्या है जमीन आसमान के मुकाबले में सारे इंसानियत को भी अगर जमा कर लें तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसके मुकाबले में ज़मीन और आसमान को पैदा करना ये कहीं ज़्यादा बड़ा मामला है इसके मुकाबले में कि इंसान को पैदा किया जाए अल्ला फरमाते ये तो कोई बात ही नहीं हुई इंसान को पैदा करना इसीलिए अल्लाह फरमा इस पर गौर करो फरमाया कि अवलम या रहू क्या उन लोगों ने यह बात नहीं देखी क्या वे नहीं देखते अनल खल कसमात वर्द कि अल्लाह तबारक व तआला की वजात जिस में आसमान जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया कादर वो इस बात पर कादिर है कि अला आई यख़लू का मिस कि अल्लाह तबारक तआला उनको फिर पैदा कर दे इनको दोबारा पैदा कर दे अल्लाह तबारक ताल वजह वफ़ी और उसने उनके लिए एक मियाद मतिन कर रखी है वह अबलम ला का इसमें ज़रा शक नहीं और इस पर भी ालिम लोग बेनक किए नहीं रहते यानी अल्लाह तबारक व ताली ये फरमाते हैं कि भाई देखिए अब आपका सवाल ये पैदा हो सकता है कि अब तक फिर यह हिसाब किताब हुआ क्यों नहीं क़ियामत आई क्यों नहीं उसका भी जवाब अल्लाह ने दे दिया अल्लाह फरमाते हैं कि वजह अजलन हमने हर एक के लिए एक वक्त मकर कर दिया है इंडिविजुअल्स का भी वक्त मुकर है इसी तरीके से पूरी कायनात के ख़त्म होने का भी वक्त मुकर है जिस तरीके से इंसान मरते हैं हमारे सामने रात दिन इसी तरह से एक वक्त आएगा कि कायनात भी ख़त्म हो जाएगी इस कायनात को भी यूँ कहा जाएगा कि इसको भी मौत आ गई तो ये जो है अल्लाह तबा फरमाते हैं कि इसका अपना वक्त मुकर है फदकालिमन को फूल और जब यह वक्त आ जाएगा तो ये काम होकर रहेगा और ये जालिम लोग क्या करते हैं बार बार चीज़ों का ये इनकार ही करते रहते हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक तो ने जो ना आगे एक बात बयान फरमाई फरमाए कुल्लु तुम तम लिकुनः खज़ा इना रहमत रब्बी इदल्लाम सतम खश्यतफ़ाक़ इंसान कतूरा यहाँ पे एक अल्लाह तबारक ताल फरमाते क्योंकि उनकी जो ख्वाहत थी उनके जो मुतालबाते थे आपने देखा होगा उनके मतालबा कितने कैसे हैं उनके तमाम मुतालबात जो है ना मादी कस्म के हैं यानि मटेरियल्टिक मतालबाते हैं भाई यहाँ पे बाग हो जाए यहाँ पे खजूरों के वो हो जाए यहाँ पे नाले जारी हो जाए यहाँ पे जो है ना सोने का घर बन जाए इस तरीके से अगर आप देखें मेटेलिज़म की तरफ ये गए हैं पूरे उनके मुतालबात इसी तरीके से जैसे जैसे मैंने आपको कहा तो पहले इंसान का यही मामला है कि अगर आप उससे पूछें कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए या तुम्हारी सबसे अच्छी यानी जो मांगना हो मांगो अगर किसी को खवाहिश किसी को दी जाए तो आदमी क्या करता है यानी वो ये नहीं देखता कि देखने देने वाले की हैसीयत से मांगे वो अपनी हैसियत से मांगता है आमतौर पर आप देखेंगे आदमी अपनी हैसियत से मांगता है कि भाई मुझे इस वक्त तो उसको कुछ नज़र नहीं आता मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है बस ये मिल जाए काफ़ी है उसको एक साल के बाद नज़र नहीं आता पाँच साल के बाद की चीज़ नज़र नहीं आती उसकी क्या ज़रूरत होगी वो उसको अभी जो फौरी ज़रूरत है वो सामने होती है वो कहता है भाई मुझे ये मिल जाए काफ़ी है भूखे आदमी से अगर पूछे क्या चाहिए तुझे तो क्या बोलेगा बंगला मांगेगा गाड़ी मांगेगा तो वही बात है जिसकी जो ज़रूरत होती है वही मांगता है तो यहाँ इन लोगों ने अपने हिसाब से अपने माहौल के अतबार से उन लोगों ने अल्लाह के सामने ये मुतालबात रखे थे तो अल्लाह तबारक वाली फरमाते कल्ला तुम तम लिकून अल्लाह फरमाते हैं कि आप उनको कह दीजिए कि अगर तुम मेरे परदिगार के रहमत के ख़जानों के मालिक होते अल्लाह ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक वाल के जो रहमत के ख़जाने हैं अगर उनका मालिक तुम्हें बना दिया जाता तुम्हें बना दिया, तो दिया जाता दिया तो अल्लाह फरमाते हैं कि इदल सक तुम खशियतफाक उस वक्त तुम ज़रूर जो है ना हाथ रोक लेते तुम इस वक्त ज़रूर हाथ रोक लेते किस अंदेशे से फरमाए उसके खर्च हो जाने के अंदेशे से क्या अल्लाह की रहमत अल्लाह तबारा तला फरमाते हैं कि हमारे पास इतने ख़जाने हैं ऐसे ख़जाने हैं कि कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं अल्लाह ने फरमाया माइंद कम फ़द वंद अल्लाह के पास जो भी है वो ख़त्म होने वाला नहीं है हर चीज़ वहाँ बाकी रहने वाली है और अल्लाह तबारक वाली फरमाते हैं कि जैसे वहाँ सूर्य हिजर के अंदर अल्लाह तबारको ताली ने फरमाया व इमिन शई अंदना ख़ज़ा इन हर चीज़ के ख़जाने हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ अल्लाह तबार ताली फरमाते हैं कि अगर हम रहमत के ख़जानों के मालिक इनको बना देते तो इंसान का तो मामला यह है कि उसको जो है ना साल भर के बाद क्या होने वाला है उसको नहीं पता तो वो हमेशा बचा के रखने की कोशिश करेगा कि भाई मेरे पास इतना है ठीक है इतना तो है लेकिन मैं खर्च नहीं कर सकता इसको ऐसे अंदाज़ में कि फिर मैं कल मैं कंगाल हो जाऊँ मैं दूसरे के सामने हाथ फैलाने लग जाऊँ अल्लाह तबारा ताली फरमाते हैं कि इंसान जो है ना इस संदेशे से रोक के बैठता है और यहाँ कैसी बात अल्लाह तबारा ने बयान फरमाई और दूसरी जगह जो है ना सुर जुखर वग़ैरह के अंदर अल्लाह तबारा तो ने यही मजमून बयान फरमाया फरमाया कि अल्लाह ने जो है ना इंसान के हाथ में किसी इंसान की रोज़ी नहीं रखी सब विया तो इंसान बन जाता है लेकिन रोज़ी का वो जिम्मेदार और मालिक नहीं बनता चाहे वो बाप बेटा क्यों ना हो चाहे आप अपनी औलादी क्यों ना हो आपकी औलाद के आप जो है ना वो मालिक नहीं उनकी रोज़ी के हम जरिया हैं उनके लिए ज़रूर इसी तरीके से आपका जो है बॉस जो है आपका जो एक ज़रिया है आपके जो पेचक वगैरह का जो भी आप कह लें लेकिन वो मालिक नहीं है उस चीज़ का यानी क्या मतलब है अगर वो मालिक होता आपकी रोज़ी का तो अगर आपको जॉब से निकालने के बाद कोई और जॉब दे ही नहीं सकता था आपको क्यों तो जिम्मेदार तो वो है या तो पेचक उसी के पास से आए अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ज़रिए तो हम बनाते रहते हैं लेकिन इंसान अगर जरिए ही को असल समझ बैठे तो फिर वहाँ ठोकर खा जाता है तो अल्लाह तबारक वाल है फरमाते हैं कि अगर हमारी रहमत के खजानों के मालिक इनको बना दिया जाता इनकी तो यह हालत है कि खत्म होने के अंदेशे से रोक लेते हाथ भाई आपके पास इतना रखा हुआ है वो सामने वाले को नजर आता है वो इतना रखा हुआ है दे दो भाई तुम्हें क्या मालूम किस लिए रखा हुआ है जावे आज इन्हें एक अजीब अल्लाह तबार ने इंसान को बनाया और यहाँ पे जो है ना खजा इन रहमत रबी फरमाया रहमत के ख़जाने अभी रहमत के खजानों में जरूरी नहीं कि सिर्फ माल दौलत की बात हो रही हो अल्लाह की रहमत जो है ना बहुत सी चीज़ों को शामिल है जब रहमत अल्लाह की हम कहते हैं तो एक तो फिज़िकल जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो और हमारे इंटेल्ट और हमारी अक्ल हमारा वक्त हमारी सलाहियतें ये सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल है अल्लाह फरमाते कि इन सब के मालिक हम हैं अगर इंसान को अल्लाह तबारक वाले बोलते कि भाई चलो तुम जिसको चाहे जो चाहे इंटेलिजेंट बना दो तो इंसान वहाँ भी बखुल करता पर मेरे से आगे कोई ना निकले यानी आप देखिए अल्लाह तब फ़रमाते हैं कि इंसान बुखल से काम लेते लेते किसी भी चीज़ का मालिक उसको अगर बना दिया जाए तो वो ये नहीं चाहेगा कि उससे आगे लोग निकल जाए तो खर्च नहीं कर सकता तो अल्लाह फरमाते हैं तुम तम लिकुना ख़ज़ा ना रहमत रब्बी आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम मेरे परदिगार के रहमत के ख़ज़ानों के मालिक होते तो उस वह ज़रूर तुम हाथ रोक लेते उसके खर्च हो जाने के अंदेशे से वकान अल इंसान वक़तूर और अल्लाह तबार को फरमाते हैं कि इंसान है ही बड़ा तंगदिल इंसान जो है ना ये बड़ा तंगदिल है और उसका मामला ये है कि बशर होने के अतबार से इंसान होने की हैसियत से एक फितरी उसकी कमज़ोरी है माल की दुनिया के मोहब्बत उसके अंदर रखी गई है और ये एक हद तक जो है मुज़िर भी नहीं है नुकसानदह भी नहीं है और जैसा कि हम आम तौर पर ये असूल हमारे सामने होता है कि किसी भी चीज़ में किसी चीज़ की भी ज़्यादाती नुकसान पहुँचाती है तो फर्मा इसी तरीके से यहाँ भी दुनिया के मोहब्बत का होना माल के मोहब्बत का होना ये मुज़िर नहीं है लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए ये लिमिट क्रॉस कर जाए अपनी तो फिर ये नुकसानदेह हो जाती है तो इस वजह से अल्लाह तब फरमाते हैं कि वकानसान कतूरा इंसान तो है ही बड़ा तंग दिल आगे जो है दो जो रुकू शुरू हो रहा है चूँकि इस सूरत का ये आखिरी रुकू है इसमें अल्लाह तबारक ने सबसे पहले अब आप देखेंगे दो आयतें जो हैं इन दो आयतों के अंदर मुसार सलाम का और इसी तरीके बल्कि आगे की चार आयतें उसमें अंजाम बयान किया है तो यहाँ पर मूसा सलाम और बनी इसराइल का वाक़ अल्लाह तबारक गोया के चार आयतों के अंदर मुख्तर अंदाज़ में बयान फरमाया और ये क्यों अल्लाह तबारक वाली यहाँ पे बयान फरमाते हैं उसको भी ये समझ लेना चाहिए सबसे पहले फसल बनी इसराइल

बस आसमान और ज़मीन के परवरदिगार ही ने भेजे हैं और मैं तुझे ए फिरौन हलाकत ज़्यादा समझता हूँ ये गोया के मुकालमा है किसके नज़दीक किसके दरमियान हो रहा है ये मुकालमा हजरत मूसाल सलात उस और फिरौन के दरमियान यहाँ अल्लाह तबारक ताली ने इनका जिक्र क्यों क्या बात चल रही थी किसकी मक्का के जो मुश्किन थे उनसे बात चल रही थी फिर अचानक अल्लाह तबारक ताली ने यहाँ पे मूसा सलाम का जिक्र कर दिया और उनको जो मुजाद दिए गए थे उन मजादादादादा का यहाँ पे अल्लाह तबारक तौर ने जिक्र फरमाया क्यों ये जिक्र अल्लाह तबारक ताल ने इस वजह से फरमाया उनको ये बताया कुफ़ार मक् को कि भाई देखो दुनियावी एतबार से तुम ये मुतालबे कर रहे हो, हो तो तुम ये समझते हो कि तुम जो है ना परेशान हो इस वजह से शायद तुम्हें चीज़ें नहीं मिल रही फरमाया कि इससे पहले तुमसे पहले जो मखलूक गुजरी है जो कौमें गुजरी हैं उनके पास दुनियावी एतबार से बहुत कुछ था बड़ी ताक़त अल्लाह ने उनको दी थी बड़ी शौकत अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी और वो कौन है फिरौन और उसकी कौम फिरौन और उसकी कौम को देखो कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनियावी एतबार से कितना दबदबा कितना जा और कितनी जो है ना उनके माल दौलत अता की थी और कैसे कैसे अल्लाह तबारक तआला ने अपनी उनको नेमतों से नवाजा था अल्लाह तबारा फरमाते हैं कि मूसा अलसला सलाम को हमने जब ये निशानियाँ देकर भेजी यहाँ पे नौ का जिक्र अल्लाह तबारा ने फरमाया कि नौ निशानियाँ हमने मूसी सलातम को दी निशानियों से मुराद यानी मूसा सलातम को जो मौजादा अदा किए गए थे वो नौ मौजात हैं उन मोजात को देकर हमने मूसा साम को भेजा बनी इसराइल की तरफ़ और जब वो आए मूसी सलातम नशानियाँ लेकर तो फिरौन ने क्या किया फ़िरौन ने और उसकी कौम ने इनकार कर दिया अल्लाह फरमाते हैं कि उस इनकार के जरिए या उस इनकार की वजह से उनको जो सज़ा मिली उसका ज़िक्र अल्लाह तला आगे फरमाया है उससे पहले जो है ना सिर्फ ये मुकालमा है उन दोनों का कि मुताल, यानी आगे जो है ना आगे बढ़ने से पहले चूंकि ये जो यहाँ पर नौ का जिक्र जो आया है ए, ये सुर आरफ के अंदर वलकदर न आसनी न वनक सम न समारात वहाँ पर जल्ला तबारक वाली ने इसका तफसी जिक्र फ़माया कि वो कैसे अज़ाब अल्लाह तबारक तौरौन के ऊपर भेजे थे और अल्लाह तबारक ताली ने नौ निशानियाँ जो मिसाल सलातम को दी वग अलग जगहों पर बैन की गई हैं वो अलग अलग जगहों पर बैन की गई है।, है एक तो मूल सलाम का मशहूर जो वसाँ है असा का मजदा अल्लाह तबारक तआला ने आपको अता फ़रमाया था और इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम सलाम को एक मजदा ये भी था कि जब आप देखते बगल में हाथ डाल के निकालते तो सूरज की तरह आपका हाथ जो है चमकता था तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह भी एक मजदा अता फरमाया था अब उसके बाद जो है अल्लाह तबारक तआला ने मौजे के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए जो है ना वो वबाल जो है ना वो उस कौम पर भेजा था फ़िरौन और उसके ऊपर कि उसमें जो है ना एक अजाब उनके ऊपर यह आया था जुओं का अजाब यानी हर चीज़ में जुएँ भर जाती थी हत्या के जो है खाने पीने के सामान में भी पकाया गया सब कुछ हर चीज़ है ना सर हाइजीनिक सिस्टम पूरा इस्तेमाल किया गया हर तरह की दवाएं मारे हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन जब खाना वाना है कुछ नहीं जब खाने के लिए बैठते हैं तो प्लेट में हाथ डाला तो वह जुएँ वहाँ पर जुएँ नजर आ देती और जब आप बिस्तर को झाड़ते हैं सब कुछ कुछ नहीं नज़र आता लेकिन जैसे आप सोने के लिए जाते हैं जुएँ नजर आते हैं यहाँ आस और इसी तरीके से खटमल खटमल का भी जो है अल्लाह तबारको तौर ने कुम्बल का जो है न लफ्ज़ दोनों तरह उसको तर्जमा किया फरमा खटमल का आज़ाब अल्लाह तबार ने भेजा था हर जगह खटमल ही खटमल और इसी तरीके से अल्लाह तबारक तौर ने खून का आजाब भेजा था खून का आजाब यानी मतलब ये है कि फरमाते हैं कि वो पूरा जो है उसके पास खाने पीने का जो भी सामान था उसमें खून नज़र आता था, था आप घर में जाए बिस्तर में खून नज़र आ रहा है और ऐसा खून के भगर आप खाने के लिए निवाला उठाते हैं वहाँ तक कुछ नहीं होता मुँह के करीब जाते वो खून बन जाता था पानी के अंदर आपने गिलास लिया मुंह के करीब जाते वो खून बन जाता था तो इस तरीके से अल्लाह तबारक ताली ने इनको जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये किया और इसी तरह से मेंढक का भी आज़ाब आया मेंढक हर जगह मेंढक का तो ये जब भी इनके ऊपर इस तरह का आदब आता तो वो क्या करते मूसा मूसरा के पास आते बड़ी मन्नत समाजत करते अल्तजा करते मूसा जो है अल्लाह से दुआ कर दो जैसा दुआ कर दो तो ऐसा हो होकर फिर उसके बाद हम ईमान ले आएंगे बीमा हिदांद कशफ्तानख वन सीलमक बनी इसराइल ये भी मतन, जो है ना वादा करते थे ईमान ही नहीं लाएंगे बल्कि बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ भेज देंगे मिसा का ये भी डिमांड था ना कि भाई उनको हमारे कौम को हमारे साथ भेज दो क्योंकि उनको उन्होंने ग़ुला बना रखा था तो अब मूा सलाम का ये जो मुबा होता तो उसको नहीं मानते थे लेकिन जैसे ही अजाब आता तो ये मुतालबे दोहराता कि हम कर लेंगे सब ठीक है बातें मंजूर है और जैसे वादा ख़त्म हुआ अपनी बात से फिर जाते और जैसे अपनी बात से मुकरते अल्लाह तबार दूसरे किस्म का साब भेज देता तो अल्लाह फरमाते हैं कि वलकद आता मूसा तिरसा आया तम बना तम अलबनी इसराइल और यहाँ पर अल्लाह तबारक ये फरमाते हैं कि इनके सामने ये जो चीज़ें भेजी गई हैं इनमें आगे क्या बताना है अल्लाह तबारक को, को? फरमाए कि मूसा इस्लाम को हमने इतने खुले खुले मोजात दिए तो उनकी कौम ने क्या किया कि वो ईमान ले आए फरमाया कि ईमान नहीं, नहीं लाए तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने जो मुतालबात किए यहाँ पर अगर हम तुम्हारे मुतालबे पूरे कर दें तो क्या तुम ईमान लाओगे फरमाया कि नहीं इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि हम मुतालबे इसलिए पूरे नहीं कर रहे कि तुम्हारा ये कहना ये फरमाइश करना ये इसलिए नहीं है कि ईमान लाओ बल्कि तुम्हारा तो इसलिए है कि देखो हमने मुतालबा किया और इन्होंने पूरा नहीं किया लिहाजा हम ईमान नहीं ला रहे और नबी के खिलाफ तुम तो एक और मौका मिल जाए बातें बनाने का ये अल्लाह तब फरमाते हैं कि देखो ये वाक़ा ऐसे कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं उनके मुताबिक हमने उनको मौजिजा दिए लेकिन वो ईमान नहीं लाए तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तौर ने मूसा सलाम का वाक़ा इसलिए बयान फरमाया अच्छा फसल बनी इसराइल अल्लाह फरमाते हैं कि भाई देखो बनी इसराइल से पूछ के देख लीजिए इस जाम फ़क़ा लु फिर तो फ़िरऊन ने क्या कहा तो मूसा सलातम से वो कह रहे हैं इन्नी लादुल ने कहा मूसा मशहूर आँ मुसाला सराम को जो है ना ये कहता है कि भाई देखो तुम जो है ना लगता है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है और तुम्हारे होश होश हवा सलामत नहीं रहे तुम्हारे इस वजह से तुम ऐसी भईकी भयकी बातें कर रहे हो ये खुदा की बात कर रहे हो खुदा तो मैं हूँ फ़िरन ने क्या कहा था अना रब यानी ये अल्लाह तबा फरमाते हैं फ़ुरन ने यह समझा खालम तमाम वायर व व इनअन क या फिर अउन मसबूरा तो उन्होंने कहा मूसा सलाम तो ने फ़िरन से क्या कहा मा अनजल उबावल यानी ये जो खुली खुली निशानियाँ हैं और ये ऐसे मॉजिज़ज़ज़ज़ज़ हैं ये इसके बारे में हज़रत मूसा सलाम ये फरमाते हैं कि फ़िरौन तुझे तो ये ख़ूब पता है तुझे ये खूब पता है कि ये अल्लाह ही ने नाजिल की है ये अल्लाह ही की नाजिल करता है यानी मूसा सलातम तो उसको ये बताते हैं कि भाई तू दिल से तो इनको मानता है लेकिन ज़बान से नहीं इकरार करता दिल से तो इसको मानता है आप अंदाज़ा लगाइए कि मूसा सरात तो को अल्लाह तबारक तौला ने यह चीज़ बता दी कि भाई दिल में इसके इकरार है लेकिन चूँकि अपनी बादशाह के खौफ से और लोगों के जो ना वो लोगों के सामने अपनी पोजिशन को बचाने के लिए जो है ना वो इकरार नहीं करता अब अगर आप ये सिफत देखें तो अपने ऊपर भी लागू होती है बहुत सी मरतब ऐसा होता है कि इंसान के सामने हक बात खुल के आ जाती है बात मालूम हो जाती है लेकिन यह है कि अगर मैं कबूल कर लूँ तो मेरी सुबह की हो जाएगी लोगों के सामने ज़रा सा मेरी थोड़ी सी ये हो जाएगी बस ज़िल्लत इज़्ज़त वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे लेकिन इंसान को जो है ना एक दिमाग में एक बात रहती है कि भाई मेरा एक पोजीशन है मेरी एक वैल्यू है मेरा एक मकाम है उसमें कमी आ जाएगी अगर मैं बात कबूल कर लूँगा तो और ये ऐसा खन्नास है कि ये तकरीबन हर एक में होता है हर एक के अंदर उसके लेवल का होता है जो जिस किस्म का आदमी होता है जो जिस लेवल का होता है उसी किस्म का ये खन्नास भी उसके दिल में होता है उसके दिमाग में होता है क्यों कि ये बहुत आसान सवारी है शैतान की इंसान को तबाह करने के लिए इंसान को नीचा दिखाने के लिए हक़ से बाज रखने के लिए बहुत आसान सवारी है इंसान के लिए इस वजह से बहुत आसानी से उसके ज़रिए वो शिकार कर लेता है तो अल्लाह तबारक को ताल फरमाते हैं कि मूसा सलातम ने उससे कहा कि भाई तुझे ख़ूब पता है तुझे खूब पता है कि ये जो कुछ अल्लाह तबारक वाली ने यह नाजिल किया है ये सब किसका है अल्लाह तबारक वाल्ला तबारक वाली ने ही ने उसको नाजिल किया है अच्छा अब ये जो है मूसा आल ने बाबा ये बात कही है और अल्लाह तबारक तौर ने मूसा मूा सलाम को बता दिया था कि भाई देखें ये एक बात और आगे बढ़ने से पहले क्योंकि मूसा सलातम ने आगे क्या फ़रमाया वह इन्नी लाजुन का या फिर और मसबूर और मैं तुझे ऐफ़रौन हलाकत ज़्यादा समझता हूँ तो यहाँ पर जो है ना मूसा सलाम को उसने क्या कहा था कि मूसा मैं समझता हूँ कि तुम पर जादू किया गया है मशहूर और यहाँ मूसा सलातम ने उसको उसी अंदाज़ में जवाब दिया वो इन्नी लाजुन या फिर उनऊन मसबूर आ मैं समझता हूँ कि तू हलाकत जदा है यानी तुझ पर अजाब आएगा तू गोया के गोया के तबाह शुदा है तबाह हो गया है तो ये फरमाते हैं कि जैसे यानी आपको खिताब किया गया उसकी जैसे हम कहते हैं ना उर्दू के अंदर तुर्की बतुर जवाब देना जैसे आपने अंदाज इख्तियार किया उसी तरीके का जवाब आपको मिलेगा क्या आप यह जमाने में बोल सकते हैं तुर्की बतुर बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं तुर्की में जो है ना जो हालात के तहत था तो बोल सकते हैं। अल्लाह हुआ सो उसने कि उनका कदम इस सरजमीन से उखाड़ दे सो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको गर्क कर दिया अब यहाँ पे अल्लाह तबारक ने यह फरमाया <laughs> कि देखें इसने क्या किया मूसा सलातुस्म को अयफ़ हम अर्द ये चाहता था कि यहाँ से उनके क़दम उखाड़ दें अल्लाह ने उनको क्या सजा दी अगर कना हो हमने उनको डुबो दिया वमम माँ हूँ जमिया और जो कोई भी उसके साथ थे तमाम के तमाम फरमाते हैं सब को हमने डुबो दिया ये उनको सजा दी दुनियावी अतबार से वक़ुल्ला मिबाद ही लिबनी इसराइल उसकन फैदाजा अवादल आखिरत जनाबिकलफ़ीफ़ा अल्लाह तबारक व ताली फरमाते कि और हमने उसके गर्क होने के बाद बनी इसराइल से कहा कि रुए ज़मीन पर रहो बस हो बस जब आखिरत का वादा आ जाएगा हम तुम सबको समेट लेंगे यहाँ पे अल्लाह तबारक वाली ने फिर अब दूसरा उस तरफ इशारा फरमाया है कि जब ये उनको डिबो दिया गया जब मामला ख़त्म हो गया तो अल्लाह तबारक ताली ने एक निज़ाम बनाया था और वो निज़ाम क्या था वो निज़ाम ये था अल्लाह तबारक ताल इस कौम के अंदर उनको रख कर उनके हालात से वाकिफ़ करवाया और अब आप देखें अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो फ़िरौन के यहाँ काम करने वाले कौन थे यही बनी सराइज और अच्छे से अच्छा मतलब ये कि छोटे छोटे छोटा काम करने वाले उनके घरों की नौकरी करने वाले घरों की सफाई करने वाले और ये घरों की जो सफाई करने वाले होते हैं उनको बड़े बड़े का इल्म होता है क्योंकि बहुत चीज़ें उनसे छुप नहीं सकती उनसे चीज़ें छुप नहीं सकती तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें जानते थे और हर चीज़ कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है ये चीज़ कैसे हो रही है ये डीलिंग कैसे हो रही है वो अपने काम में लगे हुए कान किसी और तरफ होते तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ये जो घर के भेदी थे इनको सब चीज़ों का इल्म था और अल्लाह तबारक ताली ने अगर चाहते अल्लाह तबारक वाली तो वहाँ से बनी इसराइल को निकाल कर इनको तबाह किया जा सकता था किस तरीके पर कोई सैलाब आ जाता या कुछ हो जाता उनके घर टूट जाते जलजला आ जाता कुछ भी हो सकता था लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने नज़म ऐसा किया क्या कि इनके महल्लात अपनी जगह इनके कपड़े अपनी जगह इनके जेवर अपनी जगह इनकी आसाइश और इनकी तमाम जो चीज़ें थी एक एक चीज़ वो अपनी जगह पर है अल्लाह ने उनको उनके घरों से निकाल दिया अब वो किस तरीके से मूषा इस्लाम का पीछा करने के लिए भागे? चीज़ें अपनी जहाँ पर वहाँ हैं वो थोड़ी ये कह के जा रहे हैं कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं तो बस यूँ गए यूं आए तो वो इस नीयत से तो वो निकले थे अल्लाह तबारा तला का निज़ाम ये था कि भाई इनको यानी बनी इसराइल को पूरा सजा सजाए इसी तरह प्लेट में देना था वह औरतना कौम आख़री अल्लाह फरमाते हैं कि भाई उनकी पूरी दौलत उनकी पूरी जायदादें और उनकी पूरे आसाइश की चीज़ें जितनी चीज़ें थी अल्लाह तबारक तौर ने बनी इसराइल को हवाले कर दी अब उसके बाद अल्लाह तबा फरमाते हैं कि उसको अल्लाह उनको ये फरमाते हैं कि भाई अब तुम जो है ना इसकी गुलामी से आज़ाद हो गए हो और इन चीज़ों से अब तुम जहाँ चाहे रहो अब यह ज़मीन ये, ये महल्लात और जितनी जायदादें हैं ये सब अब तुम्हारी हैं ये बाग़ात जितने थे अगर उनको कुछ मालूम होता तो कुछ अपना जेवर भी साथ लेके जाते कि भाई पता नहीं कब आना है हा? कुछ भी नहीं जो अचानक यूँ निकले और वो उसके पीछे जो है ना अल्लाह तबा ने सारा का सारा इनके हवाले कर दिया वकुलना मुबाद अली बनी अल्लाह फरमाते हैं कि और हमने इसके गर्क होने के बाद बनी सैल से कहा कि रुए ज़मीन पर रहो बसो फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा हम तुम सबको समेट लाएंगे और अल्लाह तबार को ताला फरमाते हैं कि वो आखिरत का वादा आ जाएगा का मतलब ये कि जब हमारा वक्त मुकर आ जाएगा उसके बाद सबको आना है अल्लाह ही के पास आना है अब चाहे वो वनी इसराइल हो चाहे वो कौम फ़रौन हो चाहे वो कौम साल समूह, जो भी हो, हों को जो है अल्लाह तबारक ताल के पास आना है तो अल्लाह तबारक तौर ने फरमाया, व बिल हक़ नज़ल व बिल्क नजल्ल वमा और सल्ला के मुबर व नज़ीरा अल्लाह फरमाते हैं कि और हमने इस कलाम को हक़ के साथ नाजिल किया और वहाक के साथ नाजिल हुआ और हमने आपको सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और कुरान तो हमने इसे जुदा जुदा रखा है ताकि आप इसे लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़ें और हमने उसे उतारा भी है तदरीज के साथ तो खत्म होता कि नहीं वो देखा मुश्किल तो ये अल्लाह फरमाते हैं कि भाई देखिए वो बिल हक़ ना, व बिल हक़ नज़ल यहाँ क्या फरमाते अल्लाह तबारक वाली हमने इस कलाम को यानी कुरान मजीद को अल्लाह तबारा तला फरमाते हैं कि हमने हक़ के साथ नाजिल किया है और वो नाजिल हुआ भी हक़ के साथ है ये ऐसा हो सकता है कि भाई बाद मरतबा क्या होता है इसमें जगह दो चीज़ें अल्लाह ने बयान फरमाई है वो बिल्क़ अनज़ल्ला कि हमने उसको हक़ के साथ नाजिल किया विल्क़ नज़ल और वह हक़ के साथ नाजिल भी हुआ यानी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई आपने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी मगर आते आते वो करप्ट हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते गड़बड़ हो गई अल्लाह ने फरमा ऐसा नहीं हुआ सप्लाई लाइन भी बिल्कुल सही है और जहाँ से भेजा गया वो भी बिल्कुल सही है तो दोनों एतबार से अल्लाह तआला कुरान की जो है तस्दीक फरमाते हैं और कुरान की ऐसी तस्दीक है ये किसी और चीज़ के बारे में ऐसी तस्दीक नहीं मिलेगी आपको कि भाई भी भेजने वाले ने भी कहा कि भाई मैंने हक़ के साथ भेजा है और वो पहुंचा भी हक़ के साथ है उसके ज़रा बराबर भी किसी किस्म की भी कमी बेशी और कोताही आगे पीछे नहीं हुई इसके अंदर यानी अब आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर अगर कोई कौम अगर इसमें दावे करे और ये कहे कि भाई कुरान में इतना हिस्सा रह गया उतना हिस्सा नहीं आया या फलाने की तरफ जाना था फलाने की तरफ पहुँच गया अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा मामला ही नहीं है क्यों भेजने वाले कौन अल्लाह लाने वाले कौन जबरील और किसके ऊपर लाजा गया अब आप देखें कि जबरील आल सलाम की अल्लाह ने जो सिफ़ात बयान फ़रमाई इन नहुल रसूलिन करीम ज़ीवतारश मकीन मतिन अमीन और अल्लाह तबा तला तो फ़रमाते हैं कि जबरील के ज़रिए कुरान नाज़िल किया सबसे पहले तो वहाँ फरमाया कि जबरील अमीन जो है ना रसूल कर करीम यानी ये बहुत करामत वाले और बहुत जो है ना इज़्ज़त वाले रसूल करीम जीवन और फरमाया कि ये बड़े ताक़तवर हैं ऐसा नहीं कि वो वही लेकर आए और सब जो है ना पार्टी बंदी करके उनको जो छीन लिया और छीन के उसमें जो चाहे तब्दीली कर दी फरमा दी कौतिन और अगर जबरी सलाम की ताकत का आप पढ़े अगर आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तो के सलोल तो सला फरमाते हैं जब मैंने उनको अपनी असली शक्ल में देखा तो वो आसमान ज़मीन को घेर चुके थे यानी वो असली शक्ल में जबर इम तो ये जो अल्लाह फरमा दी फरमादीवतन इन दिल और शिमक मतआन सब अमीन और फरमाए कि भाई वो ऐसे हैं जिनकी इतबा की जाती है और फिर वो अमानतदार है वो ख़ुद भी अपनी तरफ से कोई कमी बेची नहीं करते ये सिफात अल्लाह तबार ने इसीलिए बयान फरमाई कि ये जो मैसेंजर के पास लाने वाला मैसेंजर है वो भी ऐसा है तो इस वजह से कुरान मजीद के वहां से चलने से लेकर और दरमियान से और जहाँ जिसको इन्हें पहुँचाया गया किसी किस्म की कोई जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये दावा कर सके कि भाई नहीं यहाँ पर तब्दीली हो गई है यहाँ पर गड़बड़ हो गया मामला वहां तक तो सही था बस यहाँ आके गड़बड़ हो गई जैसे आप देखेंगे कार मैन्यूफेक्चरिंग को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं यहाँ पे ना सप्लायर के पास से माल आने में गड़बड़ हो गई तो आपने तस्दीक की तो सप्लायर का माल तो सही था भाई अब वहां तक तो बात सही हो गई फिर अब गड़बड़ गड़बड़क हुई भाई इसम्बली लाइन में गड़बड़ हुई इसम्बली लाइन को चेक किया तो भाई नहीं नहीं वही भी सही था फिर गड़बड़ गड़बड़काव हुई फिर आखिर में जो उसका प्रोडक्ट बन के फाइनल जो उसका प्रोडक्शन है उसमें अब आप ये सारी चीजें लानें जो है ना इंसान चेक करता है तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है किसी किस्म का कोई डाउट जरा बराबर भी नहीं है इसीलिए अल्लाह तबारा फरमाया वो बिल हक़ के अनजल्ला व बिल हक़ के नजल और उसके बाद ने नबी पाकिस्ल्म के बारे में फ़माया और के और मुबर हूँ नदीरा ए नबी हमने आपको जो भेजा है आपका काम लोगों को बशारत दे देना है ईमान और अमाल साल पर और इसी तरीके से नदीर बनाकर भेजा है अगर कोई आपकी बात को नहीं मानता अल्लाह के कलाम को नहीं मानता वदानियत का क़ायल नहीं है तो अल्लाह तबार को फरमाते हैं कि आप उसको खबरदार कर दीजिए जो अज़ाब आने वाला है और आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है ज़बरदस्ती बात को मनवाना नहीं है इसी जो है ना ये बात अगर जहन में रहे किसी के तो कोई भी आदमी जो किसी को दुनिया को भी दावत दी जाती है दुनिया को जो है अपनी अल्लाह की तरफ़ बुलाया जाता है इससे बद्दी होने की जरूरत नहीं कोई बात ना माने तो अल्लाह क्या फरमाते हैं आपने अपना काम पूरा कर दिया आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म मानना ना मानना वो उसका मामला है उसकी ज़िम्मेदारी है आप दिल बर्दाश्त ना हो इंसान है थोड़ा सा उसको तकलीफ़ होती है भाई इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ कोई भी नहीं आ रहा मेरी बात मानने वाला ही कोई नहीं है अल्लाह फरमाते हैं इसकी फ़िक्र आप ना करें आप अपना काम करते रहें बस उसके बाद अल्लाह फरमाते कि वक़्र आनन फ़रकना तकर नास अला मुक्त वन तंज़ीला और क़ुरान तो हमने उसे जुदा जुदा रखा है ताकि आप उसे लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़ें और हमने उसे उतारा भी है तदरीज के साथ गोया यहाँ पर अल्लाह तबारक तेज चीज़ बयान की है कि उन लोगों का जो है मामला था एतराज़ा में एक एतराज़ उनका ये था ये क़ुरान मजीद ये एक किताब की तरह क्यों नहीं आया और आप उस वक्त जहन में रखें कि नबी पाक सलाम के ऊपर जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा है तो ये कुरान जो अल्लाह तबारक ने थोड़ा, थोड़ा करके नाजिल किया और तेईस तेईस साल पूरे इसमें लग गए तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया और ये सवाल वहाँ भी आया था अल्लाह तबारक तौस का जवाब दिया उन्नीसवें पारे के शुरू में उन लोगों ने कहा वकाल लदी कफ़र उल्लाजिल कुरान जुम ल कि ये कुरान एक बार की क्यों नहीं आ गया जैसे कि दूसरी किताबें एक बार भी आएगी तोरा ज़बूर और इंजिल ये किताबें जो थी वो एक ही वक्त में दे दी गई थी पूरी की पूरी और कुरान का मामला ऐसा नहीं था कुरान जो है ना नाजिल हो रहा है थोड़ा 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 तो उनको ये होता था कि भाई अगर ये पुरानी किताबों की तरह है या पिछली किताबों की तरह है तो एक साथ क्यों नहीं आ जाता तो इसका मतलब ये है उनको ये होता था कि मोहम्मद जो है ना ये अपनी तरफ से बना बना कर लाते हैं तो उनको टाइम लगता है कि भाई सोचने के लिए क्या मजमून दिया जाए कैसे लिखा जाए ये जो है ना अल्लाह तबारक ने इस बड़े इल्ज़ाम से बचाने के लिए नबी पाक के सलाम को आपने उम्मीद बनाया है अल्लाह ने उम्मीद बनाया कि इल्ज़ाम ही ना रखें कि कोई ये कह ही नहीं सके कि भाई ये आपकी तरफ से आया है यानी आपने लिख कर ये किया है तो ये अल्लाह तबारक वाली का एक वजाम था उनको बचाने के लिए आगे अल्लाह तबारक ताली फरमाते हैं कि वर्न फ़र्क ना हो हमने इसको जुदा जुदा रखा है यानी जुदा जुदा रखा है का क्या मतलब है अब आप इसकी हमत भी देखें कि हमने जुदा रखा है, का मतलब है कि मतलब एक सूरतें अल्लाह ने इसकी बनाई है एक सौ चौदह सूरतें हमारे सामने इसकी मौजूद हैं अगर ये एक ही किताब की तरह होता या उसमें सूरतें न होती उसमें अगर ये चीज़ें न होती तो ये पढ़ने वालों को दुशारी हो जाती और उसको समझने वालों को लिए दुशारी हो जाती और अल्लाह तबारक ताली ने सूरतें बनाइए और सूरतों के अंदर आप देखेंगे फिर आयतें बनाइए सूरतों के अंदर भी अल्लाह तबारक तौला ने आयतें बनाई हैं और आप देखें क्या हमत है अल्लाह की कि जब यह कुरान नाजिल हो रहा था और कुरान का इब्तदाई दौर था तो मक्की सूरतें जो हैं उन मक्की सूरतों को आप देखें तो मक्की सूरतों के जो है ना आयतें बहुत छोटी छोटी हैं आयतें बहुत छोटी छोटी हैं या मुदसर गुम फांदिरब्ब का मकब्बर वसियाब का फतहिर बस ये आयतें एक एक और छोटी छोटी आयतें और इसकी रवानी देखें उसकी रफ्तार देखें पानी का बहाव जैसे होता है बिल्कुल आयतों के जो सलासत जिसको कहते हैं ना ऐसी कलाम के अंदर सलासत है ताकि बोलने में आसानी हो और याद भी कर सके और उस जमाने में उनके पास याद करने का तरीका ये था कि उस्ताद पढ़ता था और शागिद सुन के उसको याद करते थे अगर लंबी लंबी आयतें नाजिल कर दी जाती शुरू में तो वो पहली बात तो वो समझें फिर उसको याद करें तो वो जो है ना मजमून समझ में नहीं आता इस वजह से अल्लाह तबाक ने शुरू में छोटी छोटी आयतें नाजिल की ताकि उनको याद करने में भी आसानी हो और चूँकि मक्की ज़िंदगी जो थी मक्की दौर में कुफ़ार मक्का से जो मुकाबला था उनको अपनी ज़बानदानी का भी बहुत ज़म था तो अल्लाह तबारक तौर ने भी जो है ना जबान में जो है ना बड़ी ज़बरदस्त उसमें ताकत रखी है मक्की जो सूरतें हैं ना जबान के अतबार से उसके अंदर बड़ी फसाद बलागत आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे कि जो मदनी सूरतों में नस्बता कम है तो खैर वो अल्लाह वल्ला ने मक्की सूरतों को यह फरमाया कि हमने अलग अलग रखा कैसे अलग रखा है पहले तो इसकी सूरतें अलग अलग कर दी और उसके अंदर जो है ना अल्लाह तबारक वाली ने फिर आयतें अलग कर दी फिर आगे चल के दो तकसीमें और हुई वो अल्लाह की तरफ से नहीं हुई लेकिन ये कि बहरहाल हुकुम उस वक्त का जो तबका था जैसे मिसाल के तौर तो पर यह पारों की जो तकसीम है कि कुरान के अंदर जो है न तीस पारे जो नज़र आते हैं हमें जैसे कि एक रिवायत इसकी इस सिलसिले में यह आती है कि भाई पता नहीं किसने किया किस दौर में हुआ लेकिन एक रिवायत ये बताती है कि ये काम भी हजात के दौर में ही हुआ जैसे हजाज के दौर में जेर जबर लगाए गए थे तो ये काम भी हजाज के दौर में हुआ था और उनका मकसद क्या था कि कोई आम आदमी अगर क़ुरान मजीद पूरा ख़त्म करना चाहे महीने भर में तो वो इस तरतीब से ख़त्म कर सकता है कि अगर आपने उसको ऑलमोस्ट सेम पेजेस पर पे जो है ना सेम अमाउंट पर जो है ना डिवाइड किया है तीस को और उसके बाद क्या किया कि वो जो उस जब उसका नाम पारा रख दिया जुज्ज रख दिया हिजब रख दिया वो अलग अलग अपनी अपनी जबान के अतबार से चूँकि पारा तो यह अरबी का लफ्ज़ नहीं है ये जो है फारसी जबान का लफ्ज़ है तो और ये पारा फिर सिपारा ये सब ये सारे वही हैं तो ये इसके बाद जो है उसका जो पहला लफ्ज़ है उसी का वो नाम पड़ गया पारे का जो पहला लफ्ज है वही नाम उसका उस पारे का नाम पड़ गया और ये उसका नाम पड़ गया तो इस तरीके से ये तकसीम हो गई फिर उसके बाद माहरान नहर मावरान नहर से मुराद ये है किमा का वह तबका जो आज के दौर में जो है ना ये एरिया रशिया के अंदर पड़ता है तिरमिज़ वग़ैरह ये सजिस्तान और ये तो अजबकस्तान वगैरह के जो इलाके हैं वो वहाँ के जो है ना उनका एक मकाम था एक ज़माने में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं तो उन हज़रा ने ये रुकू की तकसीम की उसमें जो हम रुकू देखते हैं सूरतों के अंदर उसकी तकसीम उन हज़रा ने की है और वो क्यों की है कि भाई अगर आप नमाज़ में पढ़ना चाहें कोई सूरह तो उसको जो है ना इस तरतीब पर डिवाइड कर सकें और जहाँ मजमून ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर उन्होंने वो रुकू लगाए हैं ताकि आप रुकू का मतलब ये कि अभी आप यहाँ रुकू कर लें नमाज़ में अगर कुरान पढ़ लें तो यहाँ पे उसमें रुकू कर लें तो ये जो अल्लाह तबारक को तारा फरमाए व बिल्किन व बिल्किन वक़ुर फ़र्क ना हो किला फरमाते कि हमने इसको जुदा जुदा रखा है अलअन्स ताकि आप लोगों के ऊपर आसानी से पढ़ सकें अब देखें बाद मरतबा क्या होता है कि आयत लंबी होती है तो लंबी आयत में भी बीच में वकफ़े हैं कि यहाँ पे रुक जाएंगे यहाँ पे रुक जाएंगे सांस टूट गई आपकी तो निशानियाँ बताई गई हैं कि भाई कहाँ कहाँ रुक सकते हैं कहाँ नहीं रुक सकते हैं ये सब इसलिए है ताकि बात समझी जा सके और बात समझने में आसानी रहे और अल्लाह तबारक ने जो है ये भी फरमाया कि फिर आगे जो है एक एक बात और है कि ये जो कुरान के अंदर जो अज्जा है यानी पारे जो है ना उसकी तकसीम दो तरह की है एक तकसीम तो हमारे कुरान में है यानी जो इंडिया पाकिस्तान का जो प्रिंट होता है कि उसमें जो तकसीम होती है कि एक पारे में जो है ना उसको चार पे डिवाइड किया जाता है चार में डिवाइड किया जाता है एक क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर इस तरीके से फोर क्वार्टर्स के जो है ना वो होते हैं और वो जो एक तकसीम होती है उनके पास यानी जो आप देखेंगे मिडल ईस्टर्न जो कुरान होते हैं आम तौर तो पर जो अरब ममालिक के जो कुरान शाये होते हैं तो उसमें जो है ना उसकी तकसीम अलग होती है तो उन लोगों ने एक को जो है ना इस तरीके पर गोया कि अगर जिस तरह हमारे पास एक एक की जो तकसीम है ना ये नार की उनके यहाँ अगर देखा जाए तो आठ की तकसीम होती है और आठ से पहले वो और उसकी तकसीम करते हैं उसको हिजब कहा जाता है एक जुज को दो हिजब में तकसीम करते हैं यानी हिजब का मतलब वो आलमोस्ट आधा पारा आधा पारे की जगह वो होता है तो इस हिजब को जो है फिर वो तीन हिस्सों में तकसीम दो हिस्सों में तकसीम करते नहीं बल्कि दो कैसे चार चार में तकसीम करते हैं एक हज्ब को चार में तकसीम करते हैं तो हिजब इसीलिए जो है ना उनसे पूछा जाए कि भाई आप कितने पढ़ते हैं तो वो एक हिजब पढ़ा जाता है वो आठ रखात वाला जो मसला होता है उनका तो हिजब का मतलब क्या होता है कि रुकू नहीं होते लेकिन ये आधे पारे को फिर वो आठ में तकसीम करते हैं पूरा पारा, आठ में, हो गया। पूरा पारा आठ में हो जाएगा और आधा पारा चार में हमारे पास आधा पारा कितने में होगा दो में उनके पास चार में तो ये जो है वो तकसीम होती है उस तकसीम का खैर वो अल्लाह तब हम सबको इसको कुरान में को सही तो समझे उस पर अमल करने की फरमाए फरमाएं الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله